हरे कृष्णा। तो आप सभी को राधा अष्टमी की ढेर ढेर शुभकामनाएं। कल राधा अष्टमी है, मैंने देखा कि आप सब ने कृष्ण जन्माष्टमी बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट की और आपकी कृष्ण जन्माष्टमी जैसे आपने सेलिब्रेट की, जितने उत्साह से भगवान के लिए व्रत रहे और अनेक तरह से आपने प्रोग्राम्स किए, उससे श्रीमती राधा रानी बहुत प्रसन्न हुई है। तो क्या आप चाहते हैं कृष्ण को भी प्रसन्न करना? तो अगर आप कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको वैसे ही राधा अष्टमी पर उतने ही उत्साह से सारे प्रोग्राम्स करने होंगे, वैसे ही कीर्तन करना होगा, वैसे ही सारे उत्सव करने होंगे और वैसे ही पार्टिसिपेट करना होगा और पूरे उत्साह के साथ, जिससे जब हम राधा अष्टमी को पूर्ण उत्साह के साथ इसको मनाएंगे तो हमसे कृष्ण प्रसन्न होंगे। तो आप सब आइए और हम सब मिलकर राधा अष्टमी को सेलिब्रेट करें। और कल के प्रोग्राम का टाइमिंग है, जैसे कि जन्माष्टमी हम लोग भगवान का अभिषेक करते हैं रात में 12 बजे, तो राधा अष्टमी में हम राधा रानी का अभिषेक करते हैं दिन के 12 बजे, क्योंकि राधा रानी बड़ी कृपालु है, क्योंकि वह ज़्यादा हमें परेशान करना नहीं चाहती। जैसे कृष्ण त्रिवंगी है, तीन रूप से टेढ़े हैं, तो भगवान के नियम है, अनुशासन है, लेकिन राधा रानी बहुत ही कृपालु दयालु है। राधा रानी चाहती है कि आप ज्यादा परेशान ना हो, इसलिए राधा रानी प्रकट होती है 12 बजे, दिन में 12 बजे राधा रानी का अभिषेक होगा। तो आप सब आइए, हम सब मिलकर राधा रानी का अभिषेक करेंगे और श्रीमती राधा रानी और कृष्ण दोनों की कृपा को लेंगे। हरे कृष्ण।